कुत्तों के वर्चस्व वाली इस दुनिया में बिल्लियों ने बड़ी ही खामोशी से अपनी जगह बनाई है। एक समय था जब हर कहीं कुत्तों के बारे में बातें होती थी। इतिहास कुत्तों का था, किताबों और कहानियों में कुत्तों की कहानियां दर्ज होती थी और फिल्मों में भी वही नजर आते थे। कुत्ते तस्वीरों और पोस्टरों में थे और यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी। बिल्लियां बेचारी छत की मुंडेरों, बालकनी या घुमावदार सीढ़ियों में सिमटी हुई थी। यहाँ तक कि सिनेमा में भी बिल्लियों का बड़ा ही स्टीरियोटाइप इस्तेमाल किया जाता था। हॉरर फिल्मों में वे भय संचार के बीच अचानक हास्य पैदा करने के लिए होती थी, जैसे दरवाजा खुलने पर अचानक बिल्ली का सामने आ जाना। बहुत बार वे रहस्य पैदा करने का काम करती थी। सिनेमा और टीवी में काफी समय तक बिल्लियां खलनायक बनी रहीं। बड़े तो बड़े बच्चों के मन में भी पूर्वाग्रह डाल दिया जाता था। टॉम एंड जेरी में हमारी सहानुभूति जेरी चूहे के साथ ही रहती थी। टॉम बिल्ली की अक्सर ठुकाई पिटाई ही होती थी। फिल्म कैट्स एंड डॉग्स में तो वे दुनिया पर कब्जा करने की फिराक में रहती हैं। फिल्म वालों के हिसाब से भला हो वफादार कुत्तों का जो उनकी नाक में दम किए हुए हैं, नहीं तो हम सब गुलाम ही होते। बेचारे स्टुअर्ट लिटिल को भी एक नासमझ बिल्ले और षड्यंत्रकारी आवारा बिल्ली से मोर्चा लेना पड़ता है। 70 और 80 के दशक की हिंदी फिल्मों में उनकी हैसियत शराब और सिगरेट पीने वाली वैम्प से ज्यादा ना थी। कुछ काली बिल्लियां जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्मों के देसी संस्करणों में खलनायकों की गोद में खेलती पाई जाती थी। शत्रुओं को भांपने की उनमें गजब क्षमता होती थी। हमारा खलनायक अपने राइट हैंड से ज्यादा काली बिल्ली के संकेतों पर यकीन करता था। कुछ बिल्लियां जान जाती थी कि किस ग्लास में जहर मिलाया गया है और उसे पलक झपकते गिरा देती थी। बिल्लियों को रहस्यमय इसलिए माना गया क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य भी इसी तरफ इशारा करते हैं। प्राचीन इजिप्ट में लोग सोचते थे कि कैट्स पूरी दुनिया और हमारे वास्तविक दुनिया के बीच आवाजाही करती हैं। वहाँ 6000 साल पुराने पिरामिड में बिल्लियों की मम्मी का मिलना भी एक रहस्य है। बिल्ली के 9 जन्मों की कहानी भी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि बीते जन्म की स्मृति लेकर दोबारा दुनिया में आने की वजह से ही वह इतनी रहस्यमय और विचार मग्न लगती हैं। 9 जन्मों का मामला भी बहुत अजीबो गरीब है। 9 की संख्या किसी संख्या से गुणा करने पर 9 के नंबर का दोबारा जन्म हो जाता है। 9 एक ऐसा नंबर है जो कभी खत्म नहीं होता। बिल्लियां भी शायद 9 जन्म के बाद देवताओं की सेवा करने चली जाती हैं। कुछ यूरोपीय देशों में तो कैट्स की मौजूदगी में कोई गोपनीय बात नहीं की जाती। माना जाता है कि राज अपने दिल में रखती हैं और उसे दूसरी जगह पहुंचा सकती हैं। लेकिन इतनी असाधारण योग्यताओं के बावजूद भारतीय समाज में बिल्लियों की दुनिया बहुत सीमित है और कुल मिलाकर उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बहुत संकुचित है। बिल्लियों की कोई आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि उनके प्रति पूर्वाग्रह ज्यादा था। उन्हें मनहूस माना जाता था। लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल देते थे, बच्चे डरते थे और महिलाएं भी काफी नाराज रहती थीं। उन्हें लगता था कि आस पड़ोस में विचरण करने वाली इन बिल्लियों का काम घरों में दूध का पतीला गिराना ही है। बिल्ली कद काठी में भले ही छोटी हो, रुतबे में बाघ की चाची होती है। जैसे बच्चे अपनी मम्मियों से कुछ बातों के लिए बड़े होने के बाद भी डरते हैं, वैसे ही बिल्लियों का भी मामला है। अब भले लोग ये बात स्वीकार करें या ना करें, मूंछ पर बेवजह अकड़ने वाले भारतीय मर्दों को बिल्लियों की मूंछ के ताव देखने चाहिए। कैट्स एंड डॉग्स का जब हिंदी संस्करण आया तो उनका टाइटल भी था तेरी मूंछ मेरी पूंछ। इतना करीब रहने के बाद भी बिल्लियों से मनुष्य की दूरी की शायद एक वजह यह भी है कि वे मन के भाव आसानी से व्यक्त नहीं करती। कुत्ते जो सोचते हैं वह अपनी पूंछ और उनकी आंखें बता देती हैं, मगर एक बिल्ली क्या सोच रही है ये पता लगाना बहुत कठिन है। वह सहज प्रतिक्रिया नहीं देती। गारफील्ड जैसी आलसी बिल्ली भी आसानी से अपने पत्ते नहीं खोलती। लेकिन वक्त के साथ जैसे मनुष्यों का डीएनए बदला है, बिल्लियों का भी बदला है। बहुत साल पहले मैंने सुना कि मुंबई के घरों में बिल्लियां पाली जाती हैं, तो बहुत हैरानी हुई। मुंबई में कुछ भी हो सकता है, यह सोचकर इस पर खास ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे यूट्यूब का जमाना आया और हमें बिल्लियों के जीवन का दूसरा पहलू देखने को मिला। हमने देखा कि बिल्लियां कैसे शरारत करती हैं। बच्चों की किताबों में तो हमने उनको ऊन के गोले से खेलते और शरारत करते देखा था, मगर बंद दरवाजों के पीछे सीक्रेट लाइफ ऑफ कैट्स तो यूट्यूब से ही देखने को मिला। कार्टूनिस्ट जिम डेविस को जब उनके एडिटर ने एक नया किरदार गढ़ने को कहा तो उन्हें लगा कि कार्टून स्ट्रिप की दुनिया में कुत्ते सफल हैं, मगर कोई बिल्ली नहीं है। उन्होंने बचपन के अपने फार्म हाउस की बिल्लियों से प्रेरित होकर गारफील्ड की रचना की। बिल्ले में इतना दम था कि 2002 तक गारफील्ड दुनिया की सबसे सिंडिकेटेड पट्टी बन गई और गारफील्ड 2570 अखबारों में 263 मिलियन पाठकों तक पहुंचने लगा।
उसके बाद पूस इन बूट्स जैसी शानदार एनिमेशन फिल्म में बिल्ला नायक बनकर आया, जो यूं तो धीरोदात नायक था मगर दिल से बिल्ली ही था। इस तरह बिल्ली के दिल को समझने में मदद मिली। फिर एक दिन बिल्लियां फेसबुक पर नजर आईं, हमारे आसपास के समाज से बिल्लियां उठकर आईं और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में छाने लगीं। हमने पाया कि बिल्ली की झलक भर से भौंक भौंक कर हलकान होने वाले कुत्ते भी उनके साथ दोस्ताना रिश्ते रखते हैं। चूहे भी बिल्लियों से कुछ खास नहीं डरते। अब बिल्लियां दोस्तों के घरों में सोफे पर आराम फरमाती नजर आती हैं, कुत्ते डाउन मार्केट होते जा रहे हैं। बिल्लियों ने अपने को खास बनाया है, आखिर वे 9000 साल से मनुष्यों के साथ हैं। अब वे बौद्धिक लोगों के बीच अपनी जगह बना रही हैं। लेखकों और कलाकारों के बीच बिल्लियां भी लोकप्रिय हैं, अक्सर किताबों की रैंक के पास नजर आती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बिल्लियां रात में इन किताबों को पढ़ती भी हैं। अपने सुपीरियर नाइट विजन की वजह से उनको लैंप जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी। प्राचीन इजिप्ट के फिरौन इतने ताकतवर थे कि खुद को खुदा मान बैठे थे, मगर वे भी बिल्लियों से डरते थे। बिल्लियां शायद अब आने वाली दुनिया को बचाने की तैयारी में हैं।